हमारे विचारे तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही हमारे इष्ट मित्र हैं, मित्र हैं, और जहां भी कह दो बेचारे बेहद जल्दी पहुंच जाते हैं। इनको एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, चाहे शादी हो चाहे कोई सा भी फंक्शन हो। भैया जी का जवाब नहीं है, जहां भी जाते हैं बड़े प्रेम के साथ जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं। तो लीजिए अब होवे आज नगरिया में का हो गली गली में ये बंधन वारे आज इस अयोध्या को सजाया जा रहा है। हर गली में बंधन मारे ये ध्वजा ये पताका आदज्जा हमारी उम्र की तो जाने का सब भाग गई। एका जने बैठी भूरी बारन की के नहीं बैठी है भाई वो बताऊती भाई लफर आउती को नहीं बता रही हमारी उम्र के ताए बैठे होंगे कैसे हंस रहे भाई कतरे आ रहे भाई लफरे आ रहे जे राई राई भरे चैन हुआ गली गली में अरे ये बंधन वारे बंधन वारे हाँ बंधन वारे तारे हाँ तारे कछु होवे अरे कछु होवे आज नगरिया में का होवे बस जान गई को नहीं बता रहा बेटा जलवा हाँ आ गए इतने आवलला मन भरा हाँ अम्मा अम्मा जमा करो तेरी ठटरी बन जाए का कह रहा मंथरा मो बूढ़ी को काकी काकी आज तक जीवन में का नहीं नहीं अरे काको इतने आओ काकी पहले हम एक बार बताओ पहले इज्जत से बैठ जाएं हम आज का फैशन तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है इतने बैठो बैठ जाओ सुनाओ गप्पो ऐसे बैठ गाओ जैसे काशी जी को पंडित हुए तेरे दुष्ट की क्या हुआ हम जा कह रही जा पूछ रही जब भीड़ भाड़ जो ये जो है ध्वजा पताका बंधन बारे हर महल मंदिर को सजाया जा रहा है बेटा जलवा कहिए कक्को बेटा जलवा कक्को हाँ कक्को हम तुम्हारी कक्को है नहीं 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 इतने डंडा मारे हम कक्को हम तुम्हें कक्को लग रहे हैं बोलिए अम्मा 90,000 वर्ष से उम्र हो गई हमारी नहीं नहीं कल को कचरा हमसे काकू तुम्हें पांच हीरा तुम्हें काको नाराज हो रही जा बताओ जा भीड़ भाड़ का है जो भीड़ भाड़ इसलिए है सुनो क्योंकि महाराज दशरथ अयोध्या का राम जी को राजा बनाया जा रहा है अच्छा बाजा बजाया जा रहा है बाजा बज रहा हो बैरो धरी सुनने नहीं का तू कम मरेगी अरे नहीं नहीं नहीं
देव सुन रही है, सुन ली। अरे चुप बताओ, राम जी को यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। का हो रहा? आए राम जी को, राम जी को राज हो रहा है। अच्छा, राशन कार्ड बन रहे। जब यहाँ भीड़ भाड़ है, अपनो अपनो नंबर लगाए बैठे। अरे वो नहीं है, और अरे राज हो रहा, राज खाज हो गई। अरे हमें बहुत बढ़िया खाज हो गई है क्या? अरे नहीं, अंडर विजय नहीं प्यारा, तू कम में रहेगी जो बता रहे कुगाम कर। अब कितनी जल्दी सुन रही, देख लो बन जाए। बहुत नखरेबाज बढ़िया है, खाज हो गई क्या? कितने आ जाएंगे राम का कह रहे का है का, कब को ये चुना पड़ गया का? कितने जुआ लगी है पीने में यार, दूर रह रहूंगा। रुक जाओ, कितने हो गए जुआ? ये क्या पी रही है? वही तो पी रही देख रही हूं। अरे ये क्या कर रही हो? का कर रही? ये अयोध्या है, यहाँ की ये प्रजा इकट्ठी है, ये मुड़ी में जुआ हो गए। जुआ नहीं भाई, तो क्या हो गया? चिनूना हो गए। अरे बुढ़िया, तो वह तिनूना हो रहे तो यहाँ नहीं, अपने बा में अपने महल में जाके भा मारती रहना। तो खुजा रहे तो हम तो जितने खुजान लगे हो तो ही मारने लगती। हम कही सीए का बेटा का हो रहा? राज, राम जी को राजा बना जा रहा, राज हो रहा है। पीले ढोलक वाले का हो रहा? राज, राम जी को, बड़े बेटा राम को यहाँ का राजा बना जा रहा है। पूछ लो गने काहे छाहू, राम तिलक सुन भाओ रोताहू। अरे क्या हो गया राम? बहुत गुस्सा में आ गई, क्या बात है? राम को राज, हाई करंट वोल्टेज पकड़ो, बैठ जा। क्या होगा? बैठ जा तेरी यहां से। राम को राज को दे रहा हूं, को दे रहा हूं राम को राज। अरे मारा दशरथ उनके पिताश्री। दशरथ जी हाँ, हम जानती हती क्यों कि हमारी रानी के कई के संगे या सोई हो जे। अम्मा इसको छोड़ दे, मेरी गुदी भर जाएगी, बस भाग जाते। क्या हुआ? मेरी महारानी के कई से महाराज ने विवाह किया था तो वचन दिया था कि के कई जो तेरे उदर से पुत्र होगा वो इस अयोध्या के राज का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन आज ये मंथरा क्या सुन रही है? कौशल्या पुत्र राम को राजा बनाया जा रहा है, लेकिन ये दासी मंथरा ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं अपनी महारानी केकई के साथ पठोनी में आई थी। हाँ लला, कि महाराज केक ने हमें इसलिए भेजा था कि जहां केकई का अनहित हो वहां तू हित की बात लगा देना। तो आज मंथरा तेरा समय आ गया है, और आज ये मंथरा राम को राज कदाचित नहीं होने देगी, और ये मंथरा राज कराएगी तो बेटा भरत को कराएगी। जो अपनी बात को मत दे उसे कहा जाता है मंथरा। मैं वो मंथरा हूं कि बादर में टोंका करके ठिंगरिया लगा दूंगी। हाँ, सब जने अपनी अपनी मोड़ियन को नाव चाहे कछु धल लेवे, लेकिन जीवन में कबो का उन्हें अपनी मोड़ी को नाव मंथरा ना धरो हुज्जे, ना तुमने सुनो हुज्जे। हम बेई मंथरा हैं। हाँ, सीधे को उल्टो करवा दें, उल्टे को सीधो करवा दें, लेकिन आज हमारी जब छाती भकभका रही, आज हमारी जब छाती फट रही, जे बाजे बज रहे इकी नास हुई ढोलकिया की, ऐसे लग रहा हम जैसे इन्हें काउ फटदार बाजो बजा रहा। ये हो साईं बाबा।
तुम्हारी जय हो महाराज, आज हमारी जब छाती बढ़ रही तुम्हारे भकर भकर कर रहे तो कहना है। और साज सजनी लगी आज, ये जो साज सज रहे हैं इस मंथरा के दिल पे बिजली गिर रही है। ये साज सजनी लगी, ये बाज बजनी लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, तो कैसे बजने लगे आज सही नाला, कैसे बजने लगे आज सही नाला, साज सजनी लगे बाज बजने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, कैसी बजने लगी आज शहनाइया, कैसी बजने लगी। जब से इस मंथरा ने सुना है राम को राज हो रहा है, तो हमारी ये छाती जल रही है, ये मेरा दिमाग फट रहा है, सुन के ये सिलसिला, अरे सुन के ये सिलसिला, फिर मेरा दिल जला, अरे सुन के ये सिलसिला, अरे सुन के ये सिलसिला, फिर मेरा दिल जला, दिल जला दिल जला, फिर मेरा दिल जला। ये सहनाइया, ये सहनाइया, कैसे बजने लगे आज सहनाइया, कैसे बजने लगे आज सहनाइया। पंडित जी के पास जाऊंगी, पंडित जी का पंचांग दिखवाऊंगी, पंचांग में पूछूंगी राज राम को होगा या भरत को होगा। पंडित जी महाराज पाए लागू, प्रसन्न रहो नानी, काय के लिए आई हो? पांव निकालो, हम तुम्हारे पांव छू ले। चलो दूर से ही ठीक है। नहीं उठाओ, घोड़े उठाओ, बेनी उठ पा रहे नहीं उठ पा रहे। तुम तो पूछो अपनी बात, घोड़े का चापे बैठे तुमका, पांव छू ले दो महाराज तुम्हारी ये हो। ब्राह्मण के अगर पांव नहीं छूए तो पाप में पार है महाराज। पंचांग में जो देखो के राजा राम बने के भरत बने, बस कछु लाई हो दक्षिणा। अरे कुलच्छी बिना दक्षिणा देखो तो दक्षिणा पेरे मांगन लगत, बताओ है ही नन्या कछु दक्षिणा दे दू, दक्षिणा दे जीवो रे जी बैठे काय किलाने बैठे, लला दे दू महाराज को दक्षिणा, हम जो है पूछवा लें पंचांग दिखवा लें, दे दू लला। तुम काय को दे रहे लला, तुम आओ कौन पचे, ले आओ ले आओ, दे दू दे दू। काय तुमका फोटो देख भी बैठे का, तुम नहीं पहुंचा सका। हाँ ये ए हमारे भैया ले लो, ले महाराज हमारे भैया की तरफ से क्या रहा है। खरे साहब जो वीडियो बना रहे हैं, बेचारे बड़े भावुक आदमी हैं, इन्हें जरा सी भी खबर कर दो हाल पहुंच जाते हैं, इनको एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे खरी जी को दक्षिणा तुम्हारी जा गई, या पंचांग फारो। चलो हाँ, क्या देखना है
उमे जो देखो राम राज होने राजा राम बने के भरत बने। देखिए राजा राम तो बन ही रहे हैं, उसमें क्या संदेह। हम चाहती के भरत बन सकत के नहीं। अच्छा भरत जी के लिए राज चाहती है। हाँ। दासी हाँ। इसमें लिखा है कि हाँ। पूछे है गुना है रेक तिन खांची हाँ। और भरत भुआल होई है सांची। भरत जी राजा अवश्य बन सकते हैं हाँ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो किसी नगर की राजा बने या किसी गुफा या जंगल की राजा बने। लेकिन लेकिन तुम उपाय कुछ जानती हो? अरे उपाय को तो पंडित जी की बात मैं वो कर दूंगी कि बादर में टोका करके थिंगरिया लगा दूंगी। हाँ तो अवश्य भरत जी राजा बन सकते हैं। बन जाएंगे अवश्य। तो लो महाराज जा है तुम्हारी दक्षिणा। सस्ती लग रही। जो कछु मिल गई ढल्लो महाराज तुम्हारी जय हो। ठीक है प्रभु ठीक है। अब जाती हूँ महारानी जी के पास। ये सी गई तो काम नहीं बने ना भी हमें पुटियाए ना हमें पुचकारे। हम रोती दीपती जे जब काम बने। आए दैया असुआ ये कौ नहीं कर रहे। हेलो हेलो 10 रुपए का पुरस्कार। 10 रुपए का पुरस्कार जाने पहचाने अनजाने। दासी दासी चंदा अभी तक महाराज भी नहीं आए। पता नहीं क्या कारण है महाराज क्यों नहीं आए। हो सखी साजन ना आए। दासी महाराज रोज आया करते थे, आज पता नहीं क्यों नहीं आए महाराज। ये सखी साजन ना आए धीरे के सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी ए सखी ए सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी सा चलना आए धीर कैसे। और कब से बैठी हूँ सोला सिंगार करे। दासी आज मैंने 16 सिंगार किए। देख रही मेरी है? आज मैंने 16 सिंगार किए महाराज नहीं आए। ओ कब से बैठी हूँ सोला सिंगार करे। ए सखी ए सखी ए सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी सा चलना आए धीर कैसे। सखी सा चलना आए धीर कैसे और कब से मैं बैठी 16 सिंगार करे। सखी ए सखी ओ सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी सा चलना आए धीर कैसे। कब से बेकरार बैठी हूँ कब से बेकरार बैठी हूँ ये 16 सिंगार बैठी हूँ ये 16 सिंगार बैठी हूँ। जब मेरी पास आएंगे जब मेरे पास आएंगे मैं पसीने में डूब जाऊंगी मैं पसीने में डूब जाऊंगी। आने वाले सब आए हैं सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी सा चलना आए धीर कैसे सखी सा चलना आए धीर कैसे। दासी महाराज भी नहीं आए और हमारी प्राणों से प्यारी दासी मंथरा भी नहीं आई। पता नहीं क्या कारण कहां है। आज पता ही नहीं उसका कहां चली गई। वो भी आ जाया करती थी
निर्भाती रोज लेकर आज वो भी नहीं आई, पता नहीं कहां है, कहां चली गई, अब तक वो भी नहीं आई, कहां है। भरत मात पहे गई भी लिखा, भरत मात पहे गई भी लिखानी, कान मन हंस कहे हसीना, कान मन हंस कहे हसीना। दासी आज हमारे प्राणों से प्यारी दासी मंथरा भी नहीं आई, पता करो कहां है, पता करो जाके कहां है। कहा बोले कहीं नहीं, तुम खसम मर गाओ सो रो रही, भग जात भग जात भग जात। दासी दैया दासी दैया, आज रो रही है क्यों रो रही है, तो कहां से नहीं कहा क्यों रो रही दासी है, काजल नहीं बचो आकन में अब हमका पुठन पे लगा, रो क्यों रही है तू, आए दैया हमारी फट रही छाती, हाँ मेरी गरम आवाज क्या हो गया, क्यों रो रही है दासी, ओ दासी उत्तर दे ही न ले ही उषासु, नारी चरित्र कर ढा रहे आसु। दासी भगवान क्यों रो रही है, और रोती है दासी क्यों, तू दासी तू क्यों रो रही है, अरे रोती है दासी क्यों तू, अरे असुआ भाई दासी जी रोती है दासी क्यों तू, असुआ भाई रोती है दासी क्यों तू, असुआ भाई रोती है दासी आज क्यों, असुआ भाई दासी, ओ दासी क्यों रो रही है, काय को हाथ धर रही है दासी, काय को खुदिया दासी, इधर तो देख दासी, दासी दासी, और हम सब ने शीशी गुठाए तूने जो बाल बिखेरे हैं, और सबुन सा क्यों रो रही सबुन सा, एक ऐसे लक्षण दे भूखी है अतबा प्यासी है, या लड़ कर आई या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अतबा प्यासी है, और क्यों दासी आज उदासी है, देख लई ठीक रही अपनों कोल धाले। ये 10 रुपए का पुरस्कार मंथरा का कई संवाद पर दो साड़ू निराले अटरिया एंड अमरक के रहने वाले मुकुट राजपूत एंड उनके साड़ू को
कहा लिखवा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये चलते हुए संवाद पर दे रहे मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब बताओ दासी, अब बता तुझे मेरी सौगंध है, क्या हो गया, क्यों रो रही है? बता रहे हैं। बता क्यों रो रहे? वैसे इच्छा तो नहीं हती बतावे की, तुम्हें कौन कछु चिंता रत ना, क्या हो गया भाई? चिंता जी खो रत वो बताए, हमें चिंता है हम बताए, काहे ना बताए, क्या कारण है? अब तुम कह रही तुम्हें हमारो कुल है, आ तुझे मेरी सौगंध है, जब तुमने अपनो कुल धरा दो तो तुम्हें अपनो पराव नहीं दिखा, अपनो पराव, तुम्हें अपनो मोड़ा और दूसरे को मोड़ा दिखा। कैसी बात कर रही तू दासी, अपना पराया कहाँ लगा दिया तूने अपना पराया? महारानी जी पहली बात तो है, पूत विदेश ना सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाऊ हमारे। महारानी जी तुम्हारे पूत सपूत ननहाल में हैं, है? इतने राज की तैयारी हो रही, राजा बनन लगे। महारानी जी आज नहीं तुम्हें भोर पतो परे भोर भोर हो क्या, और कल होगा, ये कल होगा जिसका राज तिलक। आज नहीं भंसार है, अबे क्या होगा भंसार? अबे तो रात है, अभी रात है, भोर पतो परे पे आओ। कल होगा जिसका राज तिलक, ये मर्तबा बुलंद उसी का है, और राजा जी जिसे चाहते हैं रानी फल दे उसी का। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है, ये बजते हैं जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या की, आज कौशल्या का भाग खुल गया, चंद्रमा उदय हो गया। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। अरे रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चालने राजा की, राजा की चतुराई को नहीं जान रही, तुम्हारी मती पे पथरा पड़ गए महारानी। तुम कछु नहीं जानती है? तुम पूरी भोली भंपो हो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, रोटी खा साफ पता क्या है, क्या कारण है? कछु नहीं जानती, आजकल की तन तन सिंह कचरियां सब कछु जानती, तुम नहीं जानती। रोटी से अट्टी और पानी से पप्पा कहती, तुम कछु नहीं जानती है नहीं। क्या भाई दासी बताओ तो क्या है, का है क्या कारण है, हमने क्या है, हमने पूरी सत्यनारायण कौशल जाके भाग खुल गए, क्या हमें समझ में नहीं आ रही क्या है? महारानी वो तुम्हारी दीदी है, दीदी है, हाँ तुम्हारी दीदी है, दीदी है हमारी, तो वे काऊ की बीवी है। तुम कन लगती महाराज हमें चाहो, हाँ तो चाहते महाराज हम, हमसे ज्यादा काउ को नहीं चाहो, हमें चाहते महाराज। अगर तुम्हें चाहू होते तो तुम्हारे बेटा भरत को नाराज देते, कौशल्या के बेटा राम को राज काय दे रहे, काय भरत को दे देते। राम भी तो अपना बेटा है, है? है? और भरत का कुगा में से करो तो का, तू साफ बता कारण क्या है? भरत राम तुम्हारा बेटा है तो भरत डरवाओ तो का, उन्हें तो तुम्हारी कूक से जन्म लाओ, तुम्हें अपनों पराव नहीं दिखा रहा। देखो तो आजकल एक एक बीघा के पछाए मारसल्ला मची फिर रही, काय कक्का झूठी कह रहे हैं जी में जो नहीं, हम झूठी कह रही हूँ तो बताओ है, कूड़ कूड़ के पछाए ऐसा खचूरा मचाता हुए तुम नहीं जानती है? जी में तो बड़ो राज, बताओ बेटा भरत को दाई चजी राम को पीले फिर रहे, राम ये क्या है? तू घर फोरू बात क्यों कर रही है? भरत को राजा चज राम को राजा नहीं बनाना चाहिए, सुन हमारी बात को उल्टो, अगर घर फोरे की बात करी थे ना जो निकल निकल ला, घर फोर नहीं घर आ
रो रही नहीं रो रही तो क्या कर रही चुप है रो रही रो रही रो रही रो रही चुप बताइए जस है कि नहीं चुप चुप रो रही चुप चुप मार रही और रो नहीं दे रही हो कुछ रहा होगा कुछ रहा होगा कुछ रहा होगा तुम कैसी हंस रही दांत फाड़ रही बेटी बेटी हम कुट रही हो तुम फाड़ रही घर फोड़ रही घर नहीं फोड़ रही हम सही सही कह रहे हैं क्या कह रही सही सही सासी कह दो सो मौसी को कहा जाए चुप चुप हम तो चुप्पाई चुप्पाई वो बताई ये सो मारो कुआ लटक गाओ लटक गाओ लटक गाओ वो बताई पछाए से लटक गाओ चल कले हसे नालायक किसने तेरी मत मारी है या सचनी की ढेरी में बन कर आई जिंदारी अब की जो ऐसे बच कहे मुंह तेरा लुटवा लूंगी हो गया राम को राम हो गया राम को राम तो मुंह मांगा भर दूंगी निकल जा चले उसे नार लक्ष्मी रो रहे चुप रुकते जाओ बताई बता आ गई घर फोर में काजी जी हम कितने जाए बुढ़ापे हाँ कितने जाए बुढ़ापे में हमें कुछ झेल रहा बच्चा बता है बुढ़ापे में कह रही तुम निकल जाओ जवानी तुम्हारे ते गुजार भाई जब हम क्या नहीं गई अब हम तो कह रहे बुढ़ापे में हमें कुछ झेल रहा जी के ते घुसे वो चाल लट ठोड़ दे के भाग जाऊंगा अब आई जब दिन पे हती तब नहीं आई दासी अगर तेरी बात सत्य निकली अगर तेरी बात सत्य निकली राम राजा बन गए मैं तुझे सोने का हार दूंगी नौलख कहा दे सोने का हार ले हार दूंगी मैं तुझे अगर राम राजा बन गए तेरी बात सत्य निकली तो मुझे पता ही नहीं था मेरा बेटा राम राजा बन रहा तूने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई मुझे आके कहा दे हार हार सोने का देख लो अब हार दे रहे जी तुम्हारी तो बेसी हार हो रही जीत हो के तेजे रही अगर राम राजा बन रहे तो हार ही है अब हमें हारन से भी डर लगन लगो अबे मार मार के कुचरा कर दो वो अब कह रही हार पहन लू पूरी हार फूल तो जब पेराया जा जब बुकरा की बलि चढ़ाई जा तो कब हमारी बलि तुझे सोने का हार दे रही फूलन का नहीं सोने का ये नौ लखा हार अगर राम को राजा बन गए तो राज तलब हो गया जी हार तुम्ही को शोभा दें हमें नहीं पहनने जी हार ये हार तुम्ही को शोभा दें दासीना लालचिन माल की है जीत राम और हार उस भोले भरत लाल की है कुछ याद तुझे है रानी जी जब विवाह किया था राजा ने और तेरा ही पुत्र निरपति होगा ये वचन दिया था राजा ने फिर जो उल्टो काय होने लगो व्यस तो भली कर लगा रख कुल सदा चली आई वो प्राण जाए पर बचन ना जाई अब जी बचन कितने पिल गए कहाँ गए भी बचन जब तुमसे ब्याह करो तो कहती जो तुम्हारे मोड़ा हुज्जे ऊखो राज दें अब कहाँ गए भी बचन इसे ना काऊ की कने और ना काऊ की सुनने हम तो एक बात जानती तुमने हम ना घर फोड़ उधर दाओ काजी जी अबे हमने काऊ को घर फोड़ो तीन चार दिना तो हो ही गए हमें काऊ को फोरो आज तक
हम सीधी जाती अपनी गेल और सीधी चली आती। जीवन में हमने अपनो दाएं बाव नहीं देखो, हम काऊ को घर काय को फोरे। तुम कह रही लूले लंगड़े कुचाली कुबरे, तुमने हमें सवई तो बना दो इसे बस। अब तो हमने अपनी जीप पे तारो लगा लो। नहीं 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 काऊ ना काऊ की दासी, कानन में रुई के ठेटा खोर सलाए, ना 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 जीप में तारो लगा लो दासी, ना काऊ की सुनने ना भौंकने दासी। तू साफ साफ का कारण क्या है? तुझे बेटा भरत की सौगंध साफ बता क्या है? समझ में नहीं आ रही हमारी का है? अब कुछ कारण नहीं, तू साफ बता क्या? मार मार के तुमने हमारी करिया इधर तोड़ के वो अब पुछ आ, नहीं नहीं इसकी कुबड़ी में बुद्धि तो है, क्या कारण है साफ साफ बता दो। अब भरत की सौगंध धरा रही सुनो है, जैसे हमें काले ने देने को नरप होए हमें कहानी, और दासी छोड़ना होने रानी। राजा चाहे राम बने चाहे भरत बने, हमें तो राजमाता बनना नहीं, हम तो दासी की दासी ही रहेंगी, हम महारानी नहीं बनेंगी। राजमाता का खिताब तुम्हें मिलेगा महारानी जी, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ रेख खचाए कहो भल भाखी, और भामिन भई दूध कर भाखी। आज ये रेखा खींच के कहती है मंथरा कि अगर राम राजा बन गया तो वो सोत कौशल्या तुमको ऐसे महलों में से निकाल के फेंक देगी जैसे एक हलवाई अपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है। और कद्रू बिनता है दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे, जिस प्रकार से कद्रू ने बिनता को दुख दिया था ठीक उसी प्रकार से वो सोत कौशल्या तुमको दुख देगी। है ये स्वत क्या होती दास? ले अब जे स्वत नहीं जान, नहीं हम जानते स्वत होती क्या है? नहीं जानते ना, बैठो हम बताएं स्वत इतने ना बैठो, तुम महारानी हो पे बैठो सही, इतने आते इधर होता ही चले स्वत क्या होती है? अब हमने जब इतो बताओ तो तनक और बताए। हाँ बताओ स्वत क्या होती है? स्वत नहीं जानती, स्वत नहीं जानती। एक जनन के दो बीवी हती, ये बीवी क्या होती है? बीवी नहीं ना जी, राई राई भरे जानत तुम नहीं जानती। एक जनन के दो लेडीज हती, लेडीज क्या होती है? लेडीज नहीं जान, तो साफ साफ बता है। एक जनन के दो औरतें हती, औरत क्या होती है? एक जनन के दो लुगाई हती, लुगाई हती है बुंदेलखंडी का जब समझ पाऊ थी, लुगाई हती एक जने के दो दो वे दो ही लड़ाती बाबा के बार पकड़ के एक तोरो मर जाए, बकर लगाती तोरो मर जाए। अब एक आदमी और दो ही लड़ रही तोरो मर जाए, बकती तोरो मर जाए तो कहमाओ मर जाए। फिर तो एक दिन एक माए के चली गई, एक रह गई, एक रह गई, एक रह गई। अब वे अपने घरे चूल्हे से रोटी बना रही थी, और हम उते से निकली सो बोली वो नानी ते आओ, हमने कहा है बोली नानी ऐसो कौन टोटका नंजा के हमारी सोत माए के ही में मर जाए। हमने कही वो तो हम छांटे ही धरे ई में तो हम नामिन है आओ, हमने जो तो हम छांटे ही धरे। बोली बताओ, हमने कही कितने बचो चून? बोली दो रोटी को बनो बचो। हमने कही तो एक चून की पुतरिया बनाओ, उनने बनाई चून की पुतरिया बनाई, बाकी हाथ बनाए बाकी गोड़े बनाए बाकी मुड़ी बनाई बाकी टुड़ी बनाई साहब बना दो। अब बोली मैं का कमी रही, हम तो बता के भगे आई। तो उनने कही ये इसकी आंखें नहीं लगी, ये सुना हो की आंखें ना फूट में मायकी में, सो दो नोन की निगरियां लगी थी सो डरी थी सो एक जा तरफ लगा दई एक जा तरफ लगा दई, और सात सारी चूल्हे खो। और बोली ले सास बर जा मर जा, अब कच्चो चून और चूल्हे में चलो जे चूलो तो बुझाई जे। अब लगी फूंक भी मुंह लगा के, पांच मिनट तक फूंकती रही तो चूलो तो ना बरो, आगी जोन धनक रही थी जोन बा चून की पुतरिया दिबी थी चूल्हे में, हाय दज्जा भी जो नोन की डिगनियां लगी थी सुबह मुंह लगा के फूंक रही थी। सो एक डिगरिया का चट
और उनकी आंख पे भाई फट सो एक फोड़ गई, सो एक पकड़ी सो दूसरी का चट, सो दूसरी पे भाई फट। महारानी जब चून की पुतरिया ने स्वत की दो ही फोड़ गई, तो महिला ने तो दो दो बैठी, तुम्हें तो पूरे ही फोड़ दे। महारानी जी अपने अपने बच्चा की सबको पीर हो नहीं होत लला, तो तुम्हें अपने की नहीं है, अपने की नहीं है, ये तुम्हें अपने की नहीं है, महारानी हीर पीर। आजकल की ऐसे तनिया फिरती, और तुम्हें अपने की नहीं है, महारानी हीर पीर, तुम्हें अपने की नहीं है। अपने की नहीं है महारानी हीर पीर, तुम्हें अपने की नहीं है। राजा कैसे हैं, कैसे मर्द की जवान गाड़ी को पच्चा, कभी कितने ढड़क जाए कोनो गारंटी नन्या। और राजा कपटी देखाने, ये राजा कपटी देखाने, मेरे जाने पहचाने, ये राजा कपटी देखाने, मेरे जाने पहचाने, और वे बड़े हैं सयाने। तुम चाहे कछु करियो, चाहे हसिया से, चाहे हसिया से धर दो कले, जो जो चीर तुम्हें अपने और अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारी का दशा हुज्जो, भरत की का हुज्जे। का राम राजा बन चाहिए, राम राजा बन चाहिए, राम ये राम राजा बन गई है, तो भरत दासन में रही है, भरत को दास बन के सेवा करने आए। राम राजा बन गई है, ये भरत दासन में रही है, और भरत दासन में रही है, हम तो डूबरी हो गए। यही बातें सुन सुन हो बाबू मेरे शरीर, यही बातें सुन सुन हो बाबू मेरे शरीर, तुम्हें अपने दुनिया। अगर राम राजा बन गए तो तुम्हें अब अटरिया की हवा मिलत रहत अच्छी, फिर तुम्हें अटरिया की हवा नहीं मिले, तुम्हें लपट में डारो जे कोनो खेत में ठपरा बना के। और अबे तुम मलाई और रबड़ी हुकत रहती, खूब संत रहती, फिर तुम्हें का मिले खा मिले। ये अबे सोती रही रानी, ये अबे सोती रही रानी अटरिया तर, अब सोती रही रानी अटरिया तर। और अगर राम राजा हो गए तो तुम्हारा डेरा कितने गिरे, अब सोती रही रानी अटरिया तर, फिर गिर गे में डेरा छपरिया तर। अब सोती रही रानी अटरिया तर, अबे तक खाती रही दूध और मलाई, अबे तक खाती रही
दूध और मलाई फिर मिले हैं दो दरिया। कहा मिले? दरिया दरिया आए को आए को कोदन को कोदन को फिर मिले हैं दो दरिया खपरिया तर फिर मिले हैं दो दरिया खपरिया तर फिर गिर जाए दासी। मैं सौत की सेवा नहीं कर सकती, अपने मायके चली गई, अब चढ़ गई पटरी पे गाड़ी, सौत की सेवा नहीं कर सकती हूँ, जीते जीते मर जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी, कभी नहीं करें सौत की सेवा नहीं कर सकती। सौत चून की खराब हो, सौत की सेवा नहीं कर। दासी तू उपाय बता, भगवान काउ को सोते ना देवे, और जिये दही सोते उनकी छाती जाना थुजे, उनको दिल जाना थुजे। हो महारानी जी, कछु कछु आदमी तो ऐसे होत के भी बारे सोते राख ले, उनकी घर बांधन से पूछो परेशान रहती, जी मैं तुम्हारे लाने तो सांस मास की भी अठी। अब तुम एक काम करो, उपाय क्या रहे? उपाय बताओ। उपाय हम बता रहे, दो ही वरदान भूपसन था, मांगावा जुड़ावा छाती, सुतय राज राम है बनवासु, देव लेव सब सबद उलासु। हाँ महारानी जी, जल्दी कर लो, कर ले, तू जल्दी बताओ उपाय, तुम जल्दी करो आओ तो हम जल्दी कर ले। नहीं तो उपाय बता। उपाय सोत की सेवा न करने पड़े। तुम्हारे महाराज पर दो वरदान पड़े हैं, आज उन वरदानों का समय आ गया है, उन वरदानन को मांग लो। उन वरदानन में का मांगने? का मांगने? पहली वरदान में राम जो राजा बन रहा है इसके बदले भरत को अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष को वनवास, और सुनो जब तक राम की सौगंध ना ले लीजियो, जब तक वरदानन को ना मांगियो। आजकल आदमियन की कोनो गारंटी नन्या कभी बदल जाए, जब मोड़ा को कल खा जाए जी को राज दे रहे फिर बदल नहीं पे। और सुनो इतने नहीं जाने तुम्हें महलन में तो? तुम्हें को भवन में जाने, और जब सब जब बनारसी साड़ी उतार के फेंक दीजियो, जब चंद का उतार के फेंक दीजियो, जो पेटी कोट उतार के फेंक दीजियो। दास है? फिर क्या पहनूंगी मैं? फटे पुराने कपड़ा, खटे पुराने कपड़ा पहनने, जब कोई हट ठानी जाती है तो कोप भवन का सहारा लिया जाता है, कोप भवन में गज्जो। ठीक है महाराज, दासी चिड़िया चरक दिखा जो खूब चिड़िया चरक, ये चिड़िया चरक का होता है? पसरट की दुकान पे मदद ले आओ। नहीं क्या होता चिड़िया चरित? त्रिया चरित नहीं जानते? नहीं, त्रिया चरित नहीं जानते। इनमें कई ऐसी बैठी हुई है कि वे पूरा चरित्र जानती। नहीं दासी हम नहीं जानते। तुम कह रही हम त्रिया चरित, हम त्रिया चरित नहीं जानते। इनसे पूछ लो जे बैठे जे बीड़ी धुआं उड़ा रहे जे खुद जाना। नहीं और सब जानती। त्रिया चरित देख लो, तनक देर में बहुत जल्दी दिखा रही हम। चलो तनक देर के लाने तुम महाराज बन के आओ, हम झुट्टू मुट्टू की महारानी बन के बैठ रहे। ठीक है दासी, तेरा दिमाग खराब, मेरे सिंहासन पर बैठ गई। झुट्टू मुट्टू की? झुट्टू? अच्छा झुट्टू मुट्टू की बैठ गई। तुम कौन हो? हम तो महे मंथरा, लेकिन झुट्टू मुट्टू की महारानी के कई बन रहे। हम कौन है? तुम महाराज हो? अच्छी हाँ, मुझे तर्रा के, मुझे तर्रा के। हाँ हम कौन है? महाराज माने तुम कौन है? झुट्टू मुट्टू के। अच्छा झुट्टू मुट्टू के महाराज हैं। तुम आओ जल्दी आओ तो टेम नन्या, हम जल्दी त्रिया चरित तोड़ दिखाएं वो हम जाएं। अब हम काय को आ रही है? हम आ रही है। अच्छी छाती फुला के आओ। छाती फुला के? छाती आती है नन्या, फुलाओ कौन भुंटियां। कैसे निगत महाराज है? कैसे निगते हैं? करिया घुमा के निगत महाराज, करिया घुमा के निगत महाराज। कैसे निगते हैं महाराज? छाती फुला के ऐसे तुम्हें महाराज घाई नहीं आ रहा। ये हाथ उतने दूर से थे हमारी छाती पे आओ का आओ। अच्छी तरह मर्दानी चाल चलो, मर्दानी
धोतिया पकड़ के नगतिया से तुम्हारे लक्षण बढ़ जाए कैसे नगते तुम्हें नहीं सुधरने कब हम यस महाराज अच्छी तू मन महाराज तू मन महाराज तू मन तू तू महाराज बन के बता कैसे आएंगे महाराज बताओ जी तुम्हें तेरी जा चले प्रिय रानी प्रिय के कई प्रिय रानी हट जा इधर काय को आयो मेरा चीज जलाने को काय को आयो मैं तुम्हारी भगवान हूँ हम तुम्हारो जी अपनो जी मठा सो भाते मैं कौन हूँ राजी लोग राजी तो वही है सोच कोश किया उसी के पास जाओ समझ गई क्या कर रही है हम जा समझ गई थी कि हम सास मास की रानी या मान गए क्यों क्या समझ रही मैं रानी हूँ तू दासी मेरी गले बात पकड़ रही तू है झुट्टू मुट्टू झुट्टू मुट्टू की हम जा जान गया ठीक है जाने का सांस मास की बन गए तू जा जो यह तेरी जा चल ठीक है तो उसे अच्छे एक्टिंग कर ले हम अगर महाराज ने पूछी कौन ने अकल बताई तेरू नाम बता दें क्यों हमें महाराज दही छड़कू आए फिर हमें गाड़ो आए फिर हमें तो महाराज ने पूछी तुझे कुछ किसने बताया है अच्छा नेकी का फल बदी काय जू हम ने शिक्षा दी हमारे नाव ले तुम्हें फिर तो सब रोई काम नहीं तो क्या कहेंगे महाराज है क्या कहेंगे महाराज चाका जो हम खुद जान हम समझ गए जाओ कह रही चलो भीतर तू जा तो उसे चेक नहीं कर लूंगी मैं जा हम से कह रही भीतर चलो हेलो तुली जी एक यक्षण शो लेकर आ रहे हैं इसके बाद फिर लीला के दर्शन करेंगे दशरथ के कई संवाद दशरथ के कई संवाद की सुंदर लीला लीजिए आइए कई गे गबन निठुरता निकट किए जन धर दे ही सने अब संध्या का समय हो गया है सभी नगर प्रवासी राष्ट्र की तैयारी में लगे हुए हैं क्यों सुबह हमारे राम राजा बन जाएंगे तो हम इस राज के ऋण से ऋण हो जाएंगे ये मैंने शुभ समाचार अभी महारानी कैकेयी को नहीं सुनाया है जब मैं कहूंगा तुम्हारा लाला दुलारा कल राम राजा हो रहा है सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी तो इसी प्रसन्नता से मेरा भी हृदय खिल रहा है कि राम राजा बन जाएंगे खिल गए हृदय के सुमन राम राजा बनेंगे हमारे ललन चलो खिल गए राम राजा बनेंगे हमारे ललन राम राजा We'll be right back.
हमारे ललन, चलो ये शुभ समाचार महारानी के यही को सुनाना चाहिए। दासी चंदा मेरे पास में आओ, महारानी केकई का समाचार बताओ। महारानी केकई राष्ट्र की तैयारी में है, कहाँ है, क्या कर रही है? चलो विजित हुआ है। दासी ने कहा है कि महारानी केकई को भवन की ओर गई है। को भी भवन सोन सकी चूराऊ भयवशी अभी हूं पर न पाऊं। क्या सोचकर मैं चला था कि हाँ क्या समाचार मिला, महारानी केकई का को भवन में जाना क्यों हुआ, क्या कारण हुआ समझ में नहीं आता है। कहा है चलते हैं सच्चे तीर मगर झूठे दाव नहीं चलते। चल तो रहा है ये दशरथ लेकिन ये पांव नहीं चलते। महारानी केकई का रूठ जाना आसान वाली बात नहीं, बड़ी मुश्किल की बात है। चलो फिर भी चल करके मनाना चाहिए। सवाई नरेश प्रिया पह गया देखी दशा दुखी दारों भय भूमि शयन पट मोट पुराना दिए नारे तने भूषण नाना। महारानी केकई को क्या हो गया, सुंदर सुंदर आभूषण फेंक दिए उतार करके और फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए महारानी, समझ में नहीं आ रहा है। चलो निकट जाकर के पूछना चाहिए। जाई निकट निपुकहे प्रधुबानी प्राण प्रिया कहे हे तुरसानी। हे प्राणों से प्यारी महारानी केकई, तुम्हारे रूठने का कारण मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर तुमको सताने वाला है कौन? भली भांत जानती हो अनहित तोर प्रिया कहे कीन्हा कहे तो सिर कहे जमु चहे लीन्हा। अरे किसके दोष है, किसको यम लेना चाहता है? प्राणों से प्यारी महारानी कहेगी, अगर तुम्हारी समझ में कोई कंगाल हो अवध में, कहो कहे रिंग कहे करहो नरेशु कहो कहे नृपहिनी का कहो देशु। तुम्हारी समझ में अगर कोई कंगाल हो अवध में, ऐसे शुभ अवसर पर देखो तुम्हारा लाड़ला कल राम राजा हो रहा है, मैं उसको भी राजा बना दूंगा। तुम्हारी समझ में अगर कोई बैरी हो तो मैं उसको अपने देश से निकाल दूंगा। महारानी रूठने का कारण बताओ क्या हो गया है? हे प्राण प्यारी है, क्या बोलो तो ढंग दे धम क्यों है? बच्चे भूल से ये तुम्हारा ये भूल सा मुखड़ा आज कुमलाया होगा दिखाई दे रहा है। महारानी क्या हो गया है? बेबच्चे भूल से मुखड़े का पूरा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखीर है? क्यों मारे मारे मन मचला है? पड़ गई मांग, अगर मांग कोई उलझन वाली है तो सुबह राम राजा हो रहा है, तो मांग भी सकती हूं। पड़ गई मांग उलझन में तो का
कुल का कुल रंग भैया भर कर के मांग अपनी मिटाया ना कीजिए महारानी क्यों निशानी छुपाया देखो महारानी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ तीनों महारानियों में से तुम हमारी श्रेष्ठ हो भरकर के मारे अपनी भरकर के मारे अपनी मिटाया न कीजिए महारानी क्यों रानी छुपाया न कीजिए क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन हूँ और अवध प्रवासी हैं जो तुम्हारे अधीन हैं प्राण प्रिया सुत सर्वस मोरे पार जिन प्रजा सकल बस तोरे तुम्हारे अधीन है महारानी फिर तुम रिसा गई तुम रूठ गई तुम्हारा रूठना मेरी समझ में नहीं आता है तुम जिंदगी को बेजान रो रही हो और तुम बिन न जी सकूंगा अरमान धो रही हो मेरे दिल में बैठ करके मेरे दिल में बैठ करके इसलिए महारानी उठो सोलह श्रृंगार करो क्यों धूल धूसरित हो रानी क्या संकट है या पीड़ा है या इच्छा हो मांगो रानी बोलो महारानी क्या बात है बस महाराज बहुत हो गया बहुत देर से सुन रही हूँ मैं मांगो 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 महाराज दादी सुन रहा मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे मनाने आए हो मन में तो स्वार्थ लगते हो बातों से मुझे बना ले आए किस जग में कौन हुआ किसका